वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर वन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 सेकंड फिज का एग्जाम आपका होना है 4 अगस्त 2024 को। तो इसके रिगार्डिंग बिग अपडेट्स है। बिग अपडेट्स क्या है इसके बारे में बात करेंगे, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, एडमिट कार्ड और एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ गई है, इस अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और ये जो अपडेट दे रहा हूँ आपको yesbharat.com के माध्यम से, और yesbharat.com से मिली जानकारी के अनुसार चलिए बात करते हैं क्या अपडेट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 4 अगस्त को परीक्षा होगी, आप सभी भली भांति अवगत हैं। और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का दूसरा चरण रखा है। ये दूसरा चरण है, पहला चरण का एग्जाम हो चुका है और 8 विषयों में यहाँ पर भर्ती होनी है। टोटल 744 पोस्ट है इन 8 विषयों में और लगभग 30,000 अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। आप सो देख लीजिए कितना क्राउड होने वाला है, 30,000, 8 विषयों में 30,000 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। 4 अगस्त को एग्ज़ाम्स होगा और कह सकते हैं यहाँ पर जो अप्लाई हुआ है ना, आपका पूरे देश भर से अप्लाई हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। आयोग ने जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है और 25 जुलाई के बाद, इस डेट को याद रखें, 25 जुलाई के बाद आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, 25 जुलाई के बाद। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए, 25 जुलाई के बाद आपका एडमिट कार्ड 4 अगस्त वाले एग्जाम्स के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। आप डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब एडमिट कार्ड आएगा इसकी सूचना भी आपको ज़रूर देंगे और सबसे पहले देंगे, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट फेज में 9 जून को जो एग्ज़ाम था उसमें कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसमें 8 विषय हुए थे 9 जून को और वहाँ पर 826 पदों के लिए कुल 33,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार कितना हो रहा है, इस बार 30,000 के लगभग अभ्यर्थी अभी आने वाले, उसमें ऑब्सेंट भी रहने वाले हैं वो अलग मैटर है। ये देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम्स हो रहा है आपका, ये रसायन विज्ञान 160 है ना, अर्थशास्त्र में 104 सीट्स हैं, ज्योग्राफी में आपका 23, लॉ में 29, फिजिक्स में 115, पॉलिटिकल साइंस में 118, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में 80 और बॉटनी में 115। इतने सारे 8 विषयों में एग्ज़ाम्स होने हैं। और एग्ज़ाम्स के सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जैसा मैंने कहा कि 30,000 उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित होंगे और अधिकारियों के मुताबिक जो सेंटर्स है ना, सेंटर्स का जो डिस्ट्रिक्ट है उसे कम किया गया है ना, सेंटर्स के डिस्ट्रिक्ट को लिमिट किया गया है और उसे 8 से 10 जिलों तक में ही सीमित कर दिया गया है। ये 8 से 10 जिलों में उनका सेंटर्स बनाया जाएगा। अभी परीक्षा केंद्र का जो है ना सेंटर तय नहीं हुआ है कि आपको कौन सा सेंटर दिया जाएगा, ये आपका वन वीक के अंदर 3 से 4 दिनों में डिसाइड कर लिया जाएगा कि किसे कौन सा एग्ज़ाम सेंटर दिया जाना है। यह प्रक्रिया 2-4 दिन में कह सकते हैं पूरी हो, जो 2 से 4 दिन में पूरी होने की पूरी संभावना है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। जैसा कि अभी आप, आज कितना है, 16 है, अगर 3 से 4 दिन मानते हैं तो ये 20 तारीख तक आपका, आज 16 है तो 20 जुलाई तक आपका क्या हो जाएगा, ये एग्ज़ाम सेंटर्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद आपका 25 से एडमिट कार्ड जारी होना आरंभ हो जाएगा। 25 के बाद 26-27 आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये था साथियों बिग अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।